एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो इसमें नाम से तो व्हाइट हॉर्स है, बट मेरे को व्हाइट हॉर्स कहीं मिला नहीं, इसलिए तुम काले घोड़े से ही काम चला लेना, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। यहाँ पर ना ये जो स्टोरी है वो दो कजन्स के बीच में है, जिनका नाम क्या है, मोराड और एरन, ठीक है? और ये दोनों जो है ना वो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उसका क्या नाम है, गैरो ग्लेनियन फैमिली। और ये जो गैरो ग्लेनियन फैमिली है ना, ये किस चीज के लिए जानी जाती है, अपनी सच्चाई के लिए, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, दयालुता के लिए, ठीक है? तो ये बेसिकली दो कजन तो हैं ही, लेकिन इनके बीच में एक और शख्स आ जाता है। शख्स क्या मतलब, जानवर आ जाता है, जिसका नाम क्या है, सफेद घोड़ा, ठीक है? ओके, तो ये इनके बीच में स्टोरी होती है। और ये जो स्टोरी है ना वो थोड़ी उदासी से चालू होती है, ठीक है? द स्टोरी बिगिंस विद उदासी, ठीक है, नोस्टैल्जिया। और एरन जो है ना इस स्टोरी के नरेटर है, ठीक है? जब वो 9 साल के थे और उनका जो भाई है, कजन है मोराड, वो 13 साल का था, ठीक है? वो जो मोराड है वो थोड़ा फैमिली में पागल सा था, क्रेजी सा था, ठीक है? उसको घोड़े की सवारी का बड़ा शौक था, तुरु 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 ऐसे बहुत करता रहता था वो। जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं छोटे छोटे, उनको भी शुरू से ही एक्शन का बड़ा शौक होता है, तो ऐसे ही मोराड जब 13 साल का था, उसको घोड़े की सवारी का बड़ा शौक था। लेकिन भाई बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी थी, तो वो घोड़ा तो खरीद के ला नहीं सकते थे, लेकिन अरमान तो होते ही है ना बच्चों के कि भाई घोड़ा चलाएगा आज कभी हम, है ना? इसलिए सो जो नरेटर होते हैं यानी कि एरम होते हैं, वो रिमेम्बर्स विविडली द डे व्हेन मोराड केम टू हिज हाउस एट द फोर्क। तो क्या होता है, एक दिन भाई सुबह सुबह की बात है, 4 बजे हुए थे मॉर्निंग के, और मोराड आ गया एरम के घर पर, और ऐसे ना उसकी खिड़की, जिस कमरे में सोते हैं उसकी खिड़की टक 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 करने लग गया, और उसकी आँख खुल गई एरन की। तो उठा और विंडो के बाहर देखने लग गया अपने रूम से कि क्या दिक्कत है। तो एरन जो है वो बेड से उठा एंड विंडो के बाहर देखने लग गया, और उसको यकीन ही नहीं हुआ उसने जो देखा। आखिर ऐसा उसने क्या देख लिया था एरन ने, तो वो देख लेते हैं। एक्चुअली उसका जो कजन है मोराड, वो एक बड़े ही सुंदर से व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था, जैसे घोड़ी नहीं होती शादियों में, बिल्कुल वैसे ही उसमें सुंदर से व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। तो मोराड ने कहा जल्दी बाहर आ जा, अगर तेरे को सवारी करनी है तो, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये घोड़ा कहाँ से ले आया, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तो खरीद तो सकता नहीं, तो घोड़ा आया कहाँ से, ठीक है? सो नरेटर जो है वो फटाफट से गए, निकले, और वो कहीं सोचने लग गया कि ये कहीं चोरी तो नहीं कर लाया, पर चोरी कैसे करेगा, हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारी जो गैरो ग्लेनियन फैमिली है भाई, वो तो ऑनेस्टी के लिए और मतलब एकदम मतलब जैसे काइंड है, ऑनेस्टी है, ट्रुथ बोलती है, तो उसके लिए फेमस है, लेकिन ये चोरी करेगा तो हमारी फैमिली तो बदनामी हो जाएगी, नहीं नहीं ये चोरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे बात चलने लग जाती है उसके दिमाग में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, नरेटर जो है यानी कि एरम, वो अपने कजन को जानता है, मोराड कुडंट हैव बॉट दिस हाउस, तो मोराड वो जो घोड़ा वो तो खरीद नहीं सकता, ठीक है? तो उसने जरूरी जरूर इसको चुराया होगा, ठीक है? लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये बिलीव भी नहीं रहा था कि नहीं यार वो चुरा तो नहीं सकता, पर ये चक्कर है क्या, पर ये माजरा है क्या। ओके, तो ये ऐसे ऐसे सोचने लग जाता है। सो फिर क्या होता है, जो एरम होता है वो मोराड से पूछता है, हाँ भाई घोड़ा कहाँ से लाया, ठीक है? तो मोराड जो है वो उसको रिप्लाई नहीं करते, ठीक है? और उसे पूछने लग जाता है कि हाँ अगर तो कुछ की राइड लेनी तो फटाफट से आ जा, खिड़की के बाहर कूद के, ठीक है? सो ही न्यू दैट मोराड वाज क्रेजी, इसको पता तो है ये मोराड जो पागल ही है, लेकिन मैं अपना शौक तो पूरा कर ही लेता हूँ, है ना? सो क्या होता है, वो ले लेता है घोड़ा चुरा के और राइड करने के लिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, नरेटर जो होता है वो फटाफट से कपड़े पहनता है और अपने विंडो से फटाफट से यार्ड में कूद जाता है, और उसके बाद घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन मोराड के पीछे वाली सीट पे, ठीक है? अब क्या होता है, फ्रॉम देयर हाउस, उनका जो घर है दोनों भाइयों का, वो वॉलनट एवेन्यू में है, और वो फटाफट से ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए 3 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? और जो घोड़ा है ना वो इस रफ्तार में चला था, जैसे हम नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो उस स्पीड से थोड़ा ज्यादा तेज, इतनी तेज में वो घोड़ा चल रहा था, और बड़े मजे आ रहे थे, मतलब इतनी सुबह सुबह की तो बात थी ही, 4 बजे की बात थी, और साथ में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था घोड़े की सवारी करने में, ठीक है? फिर जो मोराड होता है
वो मतलब पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा पागल इंसान था, ठीक है। वो या तो गाने लग जाता है या फिर चिल्लाने लग जाता है, ऐसा टाइप का इंसान था वो। तो फटाफट से वो ओपन कंट्री में पहुंच गए और लेट द हॉर्स रन अलोंग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और वो फटाफट ऐसा लग रहा था जैसे कि हॉर्स को भागने दो, जितना वो भागता है भागने दो। तो ओपन कंट्री में पहुंच गया। एटलीस्ट मोराड आस्क एरम टू गेट डाउन। उसके बाद एट लास्ट, मतलब लास्ट में क्या हुआ, मोराड ने कहा कि चल तूने बहुत सवारी कर ली, अब मेरे को अकेले में करने दे, ठीक है। सो एरम जो है वो कहता है कि क्या तो मुझे भी करने देगा क्या अकेले राइड, अब तो तूने भी बहुत टाइम कर लिया, अब तो मुझे भी करने दे, ठीक है। सो मुराद ने कहा कि अब ये हॉर्स के ऊपर डिपेंड है, हॉर्स जिसके साथ खुश रहेगा वो उसी साथ उसी को राइड करवाएगा। तो मुराद के साथ ऑब्वियसली हॉर्स काफी टाइम से था, तो मुराद ने ही अकेले में राइड कर ली। नाउ नरेटर जो है वो नीचे उतर जाता है, उसका जो मुराद है, उसका जो कजन मुराद है, उसने फटाफट से किक मारी जो हॉर्स है उसको, और फटाफट से हॉर्स ने ई ऐसे करी और फटाफट से भागने लग गया, ठीक है। तो वैसे मोराड उसको वजीरे रन ऐसे बोलता है, ठीक है। तो हॉर्स ने आगे के पैर उठाए और ई करके और वो भागने लग गया तेज तेज स्पीड में, ठीक है। मोराड जो है वो बहुत तेज तेज लेके भाग रहा था हॉर्स को। और उसके बाद वो हरी हरी घासों में गया, ड्राई ग्रासेस में गया, और उसके बाद ना अचानक से वो पानी में कूद गया, इरिगेशन डिच में कूद गया। और वहां पर क्या हुआ, 5 मिनट बाद मोराड जो है वहीं पर आ गया और उसके पूरी बॉडी से पानी जो वो टप 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 गिर रहा था। अचानक से जो सूरज है वो निकलने लगता है, ठीक है। अब नरेटर कहता है यार मुझे भी तो करने देना राइड, तूने तो कर लिया 5 मिनट, अब मुझे भी करने दे, ठीक है। लेकिन जो हॉर्स है वो हिलता नहीं है। फिर क्या होता है, मोराड क्योंकि वो हिल नहीं रहा होता, तो मोराड जो है उसके मसल्स पे किक कर देता है, उससे क्या होता है फिर से हॉर्स ही ऐसे करने लग जाता है और भागने लग जाता है। अब एरन तो नया था, पहली बार उसने घुड़सवारी करी थी, तो उसको पता ही नहीं था कि भाई अब मैं क्या करूँ, तो भागने लग गया, समझ गए। फिर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरिगेशन, तो जो घोड़ा उसको जाना तो इरिगेशन डिच की तरफ था, मतलब पानी वाली जगह था, लेकिन वो तो रोड पे भाग गया, ठीक है। और कहाँ पे भाग गया, वाइनयार्ड क्या होता है, जहाँ पर मतलब बहुत सारी अंगूरों की बेल होती है, आपने देखी होगी, है ना। तो वाइनयार्ड में कूद गया, और उसके बाद ऐसे मतलब इतनी सारी 7 वाइन्स थी, मतलब 7 बेली थी, उसके ऊपर से कूद गया वो घोड़ा। उसके बाद फिर वो रोड पे चला गया। फिर क्या होता है, एरम को वो घोड़ा गिरा गया और मोराड जो है वो भी रोड पे आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है, अब वो ज्यादा से ज्यादा मोराड जो है वो अपने भाई के लिए इतना ज्यादा चिंता में नहीं था कि मतलब मेरा भाई गिर गया, कोई चोट तो नहीं, वो घोड़े के लिए ज्यादा चिंता में था, ठीक है। तो अब दोनों ने घोड़े को अलग अलग जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और मोराड ने आधे घंटे के बाद वो घोड़ा ढूंढ लाया और उसके बाद वो अपने साथ वो ले गया, ठीक है। फिर मोराड ने एक जगह बना रखी थी उस घोड़े को मतलब छुपाने के लिए, ताकि उसको कोई देख ना ले, ठीक है। तो उसने कहाँ पे छुपाया था, डेजर्टेड वाइनयार्ड बिलोंगिंग टू अ फादर फेटवाजियन, ठीक है। एक फार्म था, एक मतलब अंगूरों की बेल का एक खेत सा था। वो किसका था, फार्मर फेटवाजियन का। वहां पर वो उस घोड़े को, उस व्हाइट कलर के घोड़े को छुपा देते थे। वहां पे कुछ ओट्स भी थे और अलग अलग पौधे थे जिसका नाम क्या था, ड्राई अल्फाफा उस जगह में, ठीक है। सो इट अकर्ड टू नरेटर दैट मोराड हैड टेकिंग बीन टेकिंग अर्ली राइड्स। और मतलब नरेटर सोचने लग गया, एरम सोचने लग गया कि ना ये जो मोराड है ना, ये कई टाइम से इस घोड़े की सवारी कर रहा होगा, मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद उसने इंक्वायरी की, एरम पूछता है कि कहाँ से चुरा के लाए ये घोड़ा। तो मोराड जो है उसको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पसंद नहीं आया कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है, ठीक है। तो नरेटर जो है वो दोबारा से अलग तरीके से पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम तो हर सुबह मतलब कितने टाइम से इस घोड़े को सुबह सुबह यूज करते हो, ठीक है। वो रिप्लाई करता है कि ना नहीं नहीं इतना नहीं, बस आज मॉर्निंग से मैं कर रहा हूँ इसको यूज, ठीक है। सो ही वॉज ऑब्वियसली वो सच नहीं बोल रहा था, लेकिन वो एरम को फिर भी कन्विंस कर लेता है, एरम को लगता है कि हाँ चल यही सच होता होगा, ठीक है। मोराड जो है वो आराम को बोलता है कि मतलब इट्स नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, मतलब इतना आसान नहीं है घोड़े कि तुमसे अच्छे से बात करे, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे। वो तो मैंने इसके साथ बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग बनाई है, तभी ये मेरी सारी बात मानता है, तुम जैसे कि ये बात नहीं मानता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो चिड़ा सा रहा होता है, अपना रौब दिखा रहा होता है, ठीक है। नरेटर जो है वो अपना घर पहुंचता है और उसके बाद वो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट खा लेता है, ठीक है, मतलब एरम। फिर आफ्टरनून में क्या होता है, अंकल खुसरोव आते हैं उनके घर पे कॉफी और सिगरेट्स के लिए, और जैसे वो मतलब ऐसे करके कॉफी पी रहे थे ना और स्मोक कर रहे थे, तो एक दूसरा विजिटर आ जाता है। उस दूसरे विजिटर का नाम क्या है, एक फार्मर होता है जॉन बायरो, ठीक है। वो आ जाते हैं,
वो भी एक एसिरियन होते हैं, मतलब एक जगह है तो वहां के होते हैं, लेकिन उन्होंने ना अर्मेनियन सीखनी चालू कर दी थी, मतलब उनको अर्मेनियन बोलनी आ गई थी, ठीक है। उनको भी फिर कॉफी और टबैको दी, फिर वो ना ऐसे दुखी से होकर कहने लग जाते हैं, अरे यार मेरा जो व्हाइट कलर का घोड़ा है ना वो खो गया और चोरी हो गया था पिछले महीने और अभी तक नहीं मिला। फिर अंकल खुसरो उसको डांट देते हैं, हट क्या बकवास बातें कर रहे थे, चुप हो जा, ठीक है, एक घोड़े के ऊपर रो रहा है, ऐसे ऐसे करके अंकल अंकल खुसरो उसको डांट देते हैं। और अंकल खुसरो और फार्मर जो है जॉन बेरियो, वो सारे एराम के घर पे आए होते हैं, ठीक है। नाउ जो जॉन बेरियो फार्मर है वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, ठीक है, मतलब उनका बहुत बड़ा सा दिल है। उनको ना 10 मील चलना पड़ता है एक जगह पर जाने के लिए, और उनका लेफ्ट जो पैर है ना वो भी बहुत दर्द कर रहा होता है, ठीक है। और वो जो घोड़ा था, जो व्हाइट कलर घोड़ा उनका चोरी हुआ था, वो अप्रोक्सीमेटली $60 का था, ठीक है। और उन आपने देखा होगा, मतलब जैसे आर्मेनिया है और काफी सारी जगहें हैं अमेरिका में भी, पहले ऐसे टांगे, जैसे हमारे यहाँ पर तो ई रिक्शा चलती है, पहले ऐसे टांगे चलते थे, घोड़ा लगा देते थे आगे और 2-3 सीट पीछे होती थी, है ना, तो ऐसे होते थे। तो उसको क्या बोला हुआ है, सरे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, मतलब क्योंकि उनके पैर में पेन रहता था और उनको ज्यादा ना चलना पड़े, इसलिए उन्होंने $60 खर्च के वो व्हाइट कलर का हॉर्स लिया था, ताकि वो अपने सरे में उस हॉर्स को लगा के और वो कहीं पे भी आराम से आ जा सके, ठीक है। और वो अच्छा सा फील नहीं कर रहे थे अपने घोड़े के बिना, ठीक है। एज सून एज द फार्मर वेंट अवे, जैसे ही जॉन बेरियो घर से जाते हैं, तो आराम फटाफट मोराड के घर पे जाता है और उसको सब कुछ बता देता है, ठीक है। तो कहता है मोराड को, भाई तू दियो मतलब इस घोड़े को वापस, ठीक है, जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख जाता, ठीक है। सो ही सजेस्टेड कीपिंग इट फॉर अ ईयर, कि भाई तूने ऐसा कर मोराड, अपने पास इसको 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए रख ले, उसके बाद तो आराम से दे दियो, इतना मैं सीख भी जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ, ठीक है। सो मोराड सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपनी फैमिली पर ऐसे लालचन नहीं लगने दूंगा कि मैंने इस घोड़े को चुराया है, ठीक है। तो मोराड डिसाइड करता है कि ना अब ये जो हॉर्स है वो जॉन बेरियो को वापस कर देते हैं अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स। अब अगले 2 हफ्तों तक मोराड और एरम ने वो हॉर्स लिया और उसके बाद वो डेली की डेली राइड करके आते थे, ठीक है। फिर हर सुबह एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वुड लीप ओवर द ग्रेप वाइन। सो हर सुबह क्या होता था, वो जो हॉर्स है वो अंगूरों की जो बेल है उसके ऊपर से ऐसे छलांग लगा देता था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल स्मॉल ट्रीज जो है एंड वो एराम को हर रोज गिरा देता था, और उसके बाद क्या होता था, वो भाग जाता था, ठीक है। स्टिल एराम होप टू लर्न टू राइड एज मोराड रोड, और उसके बाद आराम जब वो सोचता था कि चल यार धीरे धीरे सीख जाऊंगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजी एंड डेजर्टेड वाइनार्ड दे केम अक्रॉस द फार्मर जॉन बेरियो, और अचानक से एक दिन वो घूम रहे थे मॉर्निंग में और वो अचानक से जॉन बेरियो के वहां पर आ गए थे खेत वगैरह में, ठीक है, या फिर टाउन वगैरह में। तो मोराड जो है उन्होंने ग्रीट किया जॉन बेरियो को कि नमस्ते अंकल, ऐसे ऐसे करके, और फार्मर जो है उन्होंने घोड़े का देखा हुआ था, थोड़ा जबड़ा वगैरह खोल के देखा, उन्हें थोड़ा शक सा तो हो गया था कि कहीं ये मेरा तो घोड़ा नहीं, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो क्या होता है, घोड़े को पहचानने के लिए उसके दांत देख लिए जाते, तो जॉन बेरियो ने उसके दांत देखे और उनको पक्का विश्वास हो गया था कि तो मेरा ही घोड़ा है। लेकिन अब क्योंकि मोराड और एरम एक गैरो गैलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गैरो गैलेनियन फैमिली जो है वो ट्रूथ और ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड रहती है, तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो चोरी कर ही नहीं सकते। मोराड जो है वो उसको बांध देता है घोड़े को, और उसके बाद क्या होता है, वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। उसके बाद दिन में क्या होता है, जॉन बेरियो आता है उनके घर पे सारे के साथ और नरेटर की मदर को दिखाता है कि देखो मेरा जो घोड़ा है चोरी हुआ हुआ वो मुझे वापस मिल गया, और वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अंकल खुसरो उनको फिर से डांट देते हैं कि यार तुम्हें को इरिटेट मत कर, बार 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 तू घोड़ा घोड़ा करता है तो शांत हो जाएगा, ठीक है। और वो फिर अंकल खुसरो एक ही, और उसके बाद जॉन बेरियो एक ही बात कहते रहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट लाइक दिस, ठीक है। सो ये थी हमारी स्टोरी, प्यारी सी थी ना, आई नो। सो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।